シートベルトの着用をお願いします。वापस आ गया, सुना तुमने? यकीन नहीं होता कि मेरे बगैर उन्होंने किसी को बैटल ब्लेडर्स चैंपियन बना दिया। चिंग, अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली नंबर वन ब्लेडर कौन है। वो मैं हूँ, तुम नहीं। मैं हूँ मासामुने कजोया, और मेरे जैसा कोई नहीं। この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。सबका मेटल स्टेडियम में स्वागत है। WBBA में आयोजित किया है ये नया और बड़ा कॉम्पिटिशन, और आज हमारे दर्शक भी जोश में है। देख लेना, मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या बात है, दोनों बेब्लेड बराबर की टक्कर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा बेब्लेड जीत हासिल कर सकता है? क्या वो बेनके का डार्क बुल होगा या फिर सुबासा का अर्थ ईगल? ईगल काउंटर स्मैश। आई, ये क्या? वाह, क्या कमाल का पैतरा था। लगता है डार्क बुल मार खा रहा है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, बुल अपनी पूरी ताकत लगा दो। छोड़ना मत उसे डार्क बुल। रेड हॉर्न अपाकट। पासा पूरी तरह पलट चुका है दोस्तों, वक्त है कुछ कर दिखाने का। ईगल डाइविंग क्रैश। लगे रहो बैंके। फुटवर्क का इस्तेमाल करो। मैंने तुम्हें डांस करने नहीं कहा, उसे मारना होगा तुम्हें। बहुत बढ़िया, अब घुमाओ उसे, जल्दी करो दोस्त। जेंगा, वहाँ क्या कर रहे हो तुम? कौन, मैं? ओफो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जल्दी नहीं की तो बस हमें छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, एक सेकंड रुको, मुझे भूख लगी है। मुझे Sorry, अपना बर्गर खाना। मीटिंग खत्म, अब हमें जाना होगा। पर मेरा बर्गर, मुझे उसे खाने तो दो। नहीं, टूर्नामेंट अब आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। WBBA का पहला टाइटल इनमें से कौन जीतता है, ये जानने के लिए बने रहिए। नहीं जीतेगा, जो बेस्ट होगा। उसे छोड़ना मत लिब्रा। वर्ल्ड को हार मत मानना। लिब्रा के अटैक्स तो बहुत ही दमदार हैं। वो अपने मालिक के पास वापस जा चुका है, और ईगल के ऊपर के हमले को बुल सह नहीं पा रहा है। ईगल का जवाब नहीं, वो बहुत ही स्मार्ट बेब्लेड है। वाह, सुबासा और यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ, वो दोनों ही कमाल के ब्लेडर्स हैं। फ्यूचर में होने वाले वर्ल्ड ऑफ बेब्लेड के लिए दोनों परफेक्ट है। मैं उन्हें जब भी देखता हूँ बस यही सोचता हूँ, याद रहे कि ये हमारी जिम्मेदारी कि हम किसी भी अच्छे ब्लेडर्स को दोबारा गलत राह में जाने से रोके। सही कहा। डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेडर्स की टोली को संभालने देना WBBA की सबसे बड़ी गलती थी। उस गलती से एक बात साबित हो गई कि वर्ल्ड बेब्लेड एसोसिएशन को एक बार फिर से शुरुआत करनी थी, और भी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनकर। नए WBBA का मकसद है कि वो ऐसी जगह हो जहां दुनिया का हर एक ब्लेडर ईमानदारी से बैटल कर सके। मुझसे जो मदद होगी मैं करूंगी। वो तो मुझे पता है, पर क्या ये सच है कि तुम आगे से मुकाबला नहीं करना चाहती हो? हाँ? हाँ, यस सर। फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसा करना ही मेरे लिए सही होगा। फिलहाल मैं दूसरे ब्लेडर्स को सपोर्ट करूं और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करूं, तो यही मेरे लिए खुशी की बात है। ये बात है, मेरे ख्याल से ये ब्लेडर के लिए एक बहुत ही बढ़िया काम है। थैंक्स, साथ मिलकर जो बेस्ट है वो करते हैं बॉस। हिकारू, क्या तुम मुझे बॉस बुलाना बंद करोगी प्लीज? क्यों? बॉस की जगह तुम मुझे कह सकती हो हीरो नंबर वन।
क्या हैंडसम हीरो? बिल्कुल नहीं, वो आप नहीं हैं। ओह नहीं, वर्गो! बहुत खूब। फैसला हो चुका है, यू और सुबासा के बीच होगा आखिरी मुकाबला। अरे मैं जीत गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बचाया। थैंक यू पेगासस। क्या? हाँ? पेगासस? पेगासस? हाँ? क्या बात है चिंगा? डैड, तुम उदास क्यों लग रहे हो बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बताओ मुझे। आप नहीं समझ पाएंगे। तो अब तुम क्या करने वाले हो? कहीं तुम बैटल करना छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा बेबलेट भले ही चला गया है, पर तुम तो यही हो ना? हाँ जानता हूँ, पर उसे भूलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं इस तरह नहीं रह सकता, पर क्या? पर कोई बेबलेट पेगासस की जगह कैसे ले सकता है? एक बेबलेट ले सकता है। हाँ? क्या तुम्हें याद है वो कहानी जिसमें पेगासस कैसे तारे के टुकड़े से बना था? हाँ, आज से कई साल पहले कोमा गांव के पूर्वजों ने उसे बनाया था। सही कहा, पर क्या तुम्हें ये पता है कि पहली बार में उन्होंने पेगासस को नहीं बनाया था? अच्छा? असल में वो ऐसा बेबलेट बनाना चाहते थे जो बुरी शक्तियों का मुकाबला कर सके, लेकिन परफेक्ट पेगासस को बनाने से पहले वहाँ के पूर्वजों ने कई और बेबलेट्स भी बनाए थे। परफेक्ट पेगासस को बनाते वक्त कई और बेबलेट्स का निर्माण हुआ था। उनमें से जो बेबलेट पेगासस जैसा बना था वो अब भी वहीं पर है, और उसका नाम है लेजेंडरी बेबलेट। लेजेंडरी बेबलेट? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उस बेबलेट में एल ड्रैगो से भी ज्यादा ताकत है। वैसे उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि तब ज्यादा ताकत होने की वजह से कोई उस पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसे सील कर दिया गया था। क्या उसमें इतनी शक्ति है कि कोई उसे काबू नहीं कर सकता? मुझे लगता है कि तुम उसे काबू कर सकते हो बेटा। अभी वो कहाँ है डैड? वो महान बेब्लेड, उसे मैं पा कर रहूंगा। उसे अपने हाथों में पकड़ने के लिए मैं बेताब हूं। लेजेंडरी बेब्लेड। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, फाइनल मुकाबला शुरू हो रहा है अभी। तो वो वक्त आ गया जब हिसाब बराबर होगा। अब तुम में जितनी ताकत है दिखा दो। चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना, मैं कब से इस मुकाबले का इंतजार कर रहा था। तैयार हो जाओ, 3, 2, 1। Let it rip! Go! हमला करो ईगल! छोड़ना मत लीब्रा! दोनों बेब्लेड्स एक दूसरे पर जोरदार हमला करते जा रहे हैं। बूम! मैं इसी की तो बात कर रहा था। Alright, boom! ये क्या है? ये क्या हो गया? वो बेब्लेड आखिर आया कहां से, और वो बेब्लेड है किसका? हाँ, ये मुकाबला तो मजेदार लग रहा है, चलो मैं भी खेलता हूँ। मेरा नाम है मासमुने केजोया, और मैं पूरी दुनिया का नंबर वन ब्लेडर हूँ। नंबर वन, क्या बात है? पर बॉस। हे हीरो, तुम कहाँ बीच में आ गए? यहाँ बहुत बड़े टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हा? जो सबसे स्ट्रांग ब्लेडर होता है वो फाइनल्स में मुकाबला करता है ना?
बढ़िया, क्योंकि मेरा रेस ट्रैकर और मैं दुनिया में सबसे स्ट्रांग है और हम नंबर वन है। मासमूने कटोयन रेस ट्रैकर, हाँ लगता है कोई जोकर अपना मजाक उड़ाने आया है। हाँ वो बहुत अच्छा ब्लेडर है या फिर झूठ बोलने में नंबर वन है, शायद दूसरा वाला सच है। मुझे तो वो नंबर वन ब्लेडर नहीं बल्कि फेकुचन लग रहा है। अगर ऐसा है तो मुझसे मुकाबला करो। मुझे मंजूर नहीं। क्या हुआ, तुम मुझसे डर गए क्या छोटे? मैं किसी भी अरे गहरे से मुकाबला नहीं करता, चलो बाय। क्या कहा, लगता है तुम सच में मुझसे डर गए। क्यों ना मुझसे मुकाबला हो जाए। लीब्रो से अच्छे से मजा चखाओ। बढ़िया, अब ये हुई ना बात। तुम बच क्यों रहे हो, यहाँ मुकाबला करने तुम आए थे, याद है ना? अगर मैच जल्दी खत्म होगा तो लोगों को मजा नहीं आएगा। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। अब नहीं छोड़ूंगा। वो स्टेशनरी पोजीशन से इतनी जल्दी कैसे हिल सकता है? वो कौन सा बेब्लेड है? लीब्रा, उसे छोड़ना मत। तुम मुझे हरा नहीं सकते छोटे। तुम्हारे पास नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। गो! अब तुम्हें पता चल जाएगा कि स्ट्राइकर और मैं दुनिया में सबसे स्ट्रांग हैं। वो आखिर आया कहाँ से? क्या बात है, अब ये मत कहना कि तुम में बस इतना ही दम है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अच्छी कोशिश थी, पर लीब्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा तुमने? तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से मिलकर मुझे खुशी हुई, पर यही वक्त है अलविदा कहने का। तुमने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर ही दिया। हाँ, और अब तुम मेरे लीब्रा के सुपर सोनिक वेव से नहीं भाग सकते। हाँ, भागना? किसने कहा कि मैं भागना चाहता हूँ? बस बहुत हुआ, अगर तुम्हें लगता है तुम लीब्रा के स्पेशल अटैक से बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो इस मुकाबले को खत्म करते हैं। अब देखो मेरा कमाल, स्पेशल मूव लीब्रा इन्फर्नो ब्लास्ट। अब तो तुम गए। हाँ? क्या ये सही नहीं है, तुम मेरे स्पेशल अटैक से बच गए। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा अटैक बहुत बेकार था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक बार फिर करते हैं। अभी नहीं, बाद में, अब मेरा वार्म अप पूरा हो चुका है। हाँ? चलो अब सामने आ जाओ जिंगा, मैं यहाँ तुम्हें हराने आया हूँ, तुमने सुना ना? क्या बात है, तुम मुझसे डर गए क्या? छुपना बंद करो और सामने आओ, मेरा सामना करो जिंगा, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैं बोर हो रहा हूँ। सुनो हीरो, सुनकर बुरा लगेगा पर जिस जिंगा को तुम ढूंढ रहे हो वो इस टूर्नामेंट में है ही नहीं। क्या? आसपास देख लो, वो यहाँ मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हे सुनो, अब जरूरी ये है कि हम अपना मुकाबला खत्म करें, ठीक है? अगर जिंगा यहाँ नहीं है तो इस जगह मेरा कोई काम नहीं। हाँ, हट जाओ। रुको, वापस आओ, मुझे तुमसे मुकाबला करना। समझ में नहीं आ रहा आखिर वो चाहता क्या है। देखकर लगता है कि उस ब्लेडर में कोई खास बात है। वो काफी दिनों बाद मिल रहे हो तुम सब। हियोमा, होकुटो, तुम कैसे हो? जानता था तुम वापस आओगे। होकुटो, मैंने लेजेंडरी बेब्लेड के बारे में सुना। तुम्हारे डैड भी ना, उन्हें तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? प्लीज मुझे बताओ ना। वो जगह जहाँ उसे दफनाया है वो पहाड़ों के बीचों बीच है और वहाँ जाने में खतरा है, वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे वो बेब्लेड किसी भी कीमत पर चाहिए। मुझे पता था तुम यही कहने वाले हो। ठीक है, पर वहाँ पहुँचना मुश्किल होगा, मुश्किलों के लिए तैयार रहना। तुम हमें डरा क्यों रहे हो होकुटो? वो बस हमें समझा रहा है ताकि हम सावधानी बरतें। किस चीज में होकुटो? लेजेंडरी बेब्लेड को ढूंढने में और भी कई ब्लेडर्स यहाँ आ चुके थे और उनके भी इरादे पक्के थे, पर वो नाकामयाब रहे, उनमें से एक भी पहुँच नहीं पाया। क्या, एक भी नहीं? इसीलिए उसे लेजेंडरी बेब्लेड कहते हैं। फिर तो मजा आएगा, अगर कोई चैलेंज नहीं होता तो उसे पाने में मजा नहीं आता। आ,
संभल कर रहना, अगर तुम गिर गए तो वापस नहीं लौट पाओगे। मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकता। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। ये झरना बहुत ही सुंदर है। यही वो गुफा है जहाँ पर लेजेंडरी बेब्लेड रखा है। हाँ? गुफा? कौन सी गुफा? बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने, झरने के ठीक पीछे। वाह बढ़िया है। झरने ने गुफा को छुपा कर रखा है, तुम्हें झरने से होते हुए वहाँ पहुँचना होगा। अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। फिर कैसे? यहाँ पर कोई छुपा हुआ रास्ता तो होगा ना? नहीं, तो हमें ही कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। हाँ? हाँ? ओह, मैं समझ गया। सैजिटेरियो फ्लेम फ्लेयर। एरीज फॉल थ्रो डिस्ट्रक्शन। तुमने कर दिया। थैंक यू केंटा, योमा। यहाँ पर बहुत अंधेरा है। हम पर कोई अचानक हमला तो नहीं कर देगा ना? घबराओ मत, अब जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं उसे लेकर ही जाऊँगा। मुझे नहीं लगता उसे पाना इतना आसान हो। कई ब्लेडर्स आए थे जो तुम्हारी तरह यहाँ तक पहुँच पाए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी उस लेजेंडरी बेब्लेड को हासिल नहीं कर पाया। पर ऐसा क्यों है? वहां पहुंचते ही तुम समझ जाओगे। हम पहुंच गए हैं। वो रहा वहां एक पत्थर। सही कहा, एक बेब्लेड फॉसिल। वो बेब्लेड तब से ही वैसा है जब उसकी खोज हुई थी। कोई नहीं जानता वो कितने समय से वहां है। मुझे लगता है यहाँ पड़े पड़े वो पत्थर बन गया होगा। तो चलो उसे तोड़कर उस बेब्लेड को पाते हैं। सही कहा, चलो करते हैं। सैजिटेरियो फ्लेम क्लॉ। एरीज हॉर्न थ्रो डिस्ट्रक्शन। ये क्या? उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। यकीन नहीं होता, तुम्हारे अटैक्स जिसने झरने को उड़ा दिया था उससे इस पर एक खरोच तक नहीं आई। मुझे लगता है इसके बारे में कहानी झूठी है। ये बेब्लेड कोई बेब्लेड नहीं, सिर्फ एक पत्थर है। तुम कहाँ जा रहे हो जिंगा? ओ अच्छा, तो ये बात है। तो क्या तुम यहाँ पड़े पड़े बस सोना चाहते हो? क्या एक महान बेब्लेड यही करता है? जिंगा संभल कर। ये क्या हुआ जिंगा? तुम्हें क्या लगता है जिंगा? ये मुझे बुला रहा था, ये मेरा नाम पुकार रहा था। वो बेब्लेड जिंगा से बात कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? जिंगा और लेजेंडरी बेब्लेड आपस में बात कर रहे हैं? अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, समझे तुम? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सुना ना तुमने? अगर मैं अपने स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली राइवल से मुकाबला करते रहना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत होगी। हाँ समझ गया, कोई भी वजह हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मेरे साथ मेरे एडवेंचर का मजा लो। मैं कहाँ आ गया? Thank you.
हमारा नया पेगासस है, गैलेक्सी पेगासस। तुमने कर दिया जिंगा। तुम में सच में कोई खास बात है जिंगा? क्या बात है, हमने कर दिया। कमाल का बेब्लेड है, मैंने आज तक ऐसा बेब्लेड नहीं देखा है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इसमें कितनी ज्यादा ताकत होगी। इस्तेमाल करके पता चल जाएगा। हाँ, अब दिखाओ मुझे गैलेक्सी पेगासस। रुको, इतनी जल्दी। Let it rip! कमाल कर दिया। इसमें तो लाजवाब शक्ति है। इसके जैसा और कोई बेब्लेड नहीं है, इस पर काबू पाना काफी मुश्किल होगा। हाँ, ये सच में कमाल है, इसकी ताकत के सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, जो कि अच्छी बात है। हाँ? मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बनेंगे गैलेक्सी पेगासस। तो तुम यहाँ हो? हाँ? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम नहीं बचोगे जिंगा। अब आओ और मुझसे मुकाबला करो। और तुम हो कौन?